क्या आप जानते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री के पत्र का कितना महत्व है? क्या आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में मंत्री के पत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं सुशासन के आधुनिक अधिकारी? क्या आप जानते हैं कि एक जिला पदाधिकारी के आदेश का कितना प्रभाव पड़ता है और डीएम के आदेश को कितनी अहमियत देते हैं सुशासन के आधुनिक कर्मचारी? क्या आप इस बात को जानते हैं? यदि आप ये सब बातें नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल जब सरकार के कोई अधिकारी किसी सरकारी सेवकों के विरुद्ध जांच का आदेश या फिर कोई मंत्री किसी मामले पर कार्रवाई की सिफारिश करते हैं और जब उस आदेश और उस सिफारिश की खबरें अखबारों में छपती है तो लोग उस अखबार को पढ़कर, उस खबर को पढ़कर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर उस अधिकारी की जमकर तारीफ होने लगती है, कार्रवाई के उस आदेश की जगह जगह चर्चाएं होने लगती है। लेकिन उस अधिकारी के उस आदेश का क्या हश्र होता है, उस आदेश पर क्या क्या कार्रवाई होती है या फिर उस मामले की लिपापोती कर दी जाती है, इसकी भनक तक नहीं पहुंच पाती है लोगों के बीच। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहार सरकार के एक मंत्री की एक सिफारिश का कितना महत्व है और एक जिला पदाधिकारी के आदेश को कितना तवज्जो देते हैं सुशासन के आधुनिक अधिकारी। दरअसल पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने जनवितरण प्रणाली को लेकर समाहरणालय सभागार में आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की और उस बैठक के दौरान कहा गया कि जनवितरण प्रणाली को लेकर अनुमंडल स्तर पर हर माह समीक्षा की जाए। साथ ही बैठक के दौरान भवानीपुर प्रखंड के 3 डीलर से स्पष्टीकरण भी मांगा है और स्पष्टीकरण का ये खबर जब सुबह की अखबारों में पढ़ने को मिला तो सामने कुछ सवाल खड़े हो गए कि डीएम के इस निर्देश पर क्या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी अमल करेंगे? क्या डीएम के इस आदेश पर कोई अधिकारी निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच के उपरांत क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या फिर मामले की लिपापोती कर दी जाएगी? यहां ऐसा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि भवानीपुर प्रखंड के ही बसंतपुर चिंतामणि उसकाबड़ी पैक्स के किसानों ने 18 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को पैक्स में हो रही धांधली की शिकायत किया। उसके बाद मंत्री लेसी सिंह ने भी गंभीरता से लेते हुए 20 जनवरी को पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार को मामले की जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया और साथ ही पत्र में मंत्री ने यह भी लिखा था कि कृत कार्रवाई से हमें भी अवगत कराए। लेकिन कल जब मैंने धमधा के एसडीएम से बात किया तो उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट पूर्णिया डीसीओ यानी जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेज दिया गया है। हालांकि इस बीच मामले की जांच में और फिर कार्रवाई में हुई देरी को लेकर किसानों ने प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन दिया है और साथ ही पूर्णिया के डीएम को भी एक बार फिर यानी 15 मार्च 2022 को भी संज्ञान में दिया। बावजूद मामले की जांच और कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई तब जाकर किसानों ने मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन दिया। तो अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए डीएम के इस आदेश की क्या वैल्यू है। सवाल उठता है कि जब मंत्री की सिफारिश के बाद और डीएम के आदेश के बावजूद जांच पूरी नहीं हो पाती है तो फिर इस आदेश का जो इस आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान दिया गया उसका हश्र क्या होगा? क्या भवानीपुर के 3 डीलरों के विरुद्ध मांगी ये स्पष्टीकरण पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो पाएगी या फिर मामले की लिपापोती कर दी जाएगी? ये अब आप भी समझ सकते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के सभी अधिकारी की शायद ये नियति बन चुकी है कि किसी भी मामले के आवेदन को इस तरीके से टालते रहो, आवेदक के समक्ष जांच के नाम पर ऐसी ऐसी बातें रखते रहो और मामले की जांच चल रही है यह कहकर आवेदक को इतना चक्कर लगवाओ कि आवेदक एक दिन खुद परेशान होकर थक हार कर अपने घर बैठ जाए। ऐसी नियति बन चुकी है सुशासन के आधुनिक अधिकारी की।
इसलिए अखबारों में जांच और कार्रवाई के आदेश को पढ़कर खुश होना, अधिकारियों की तारीफ करना और खबर पर चर्चाएं करना कितना जायज है, ये अब आप पर निर्भर करता है। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो न्यूज 19 के Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.